So we'll start with micro sporo जेनेसिस, राइट? ओके, नाउ जब भी हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था माइक्रोस्पोर का बनना, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। होता क्या है, सबसे पहले जितने भी माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स, ये दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। क्या करते हैं? माइटोटिक डिवीजन करते हैं, और माइटोटिक डिवीजन से क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन नोट इट डाउन इन अ ग्राफिकल फॉर्म लाइक दिस, माइक्रो स्पोरो साइट, ठीक है? माइक्रोस्पोरोसाइट क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन जाते हैं, इनके अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो स्पोर, मदर सेल, ठीक है? या फिर इन्हीं को हम, वी ऑल्सो कॉल इट पोलन मदर सेल्स, इनको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है? पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है? तो जो इम्पॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कि जब भी माइटोसिस होता है और माइक्रोस्पोर बनता है तो मियोसिस से बनता है, किससे बनता है, मियोसिस से बनता है। तो अब आगे का जो चीज है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, वो माइटोटिक डिवीजन से आ गया। अब माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होना चाहिए, माइटोटिक डिवीजन के बाद मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। तो अब क्या होगा, ये तो फर्स्ट पार्ट कवर हो गया, इसमें सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मदर सेल है, ये कौन से फेज में होता है बेटा, इट इज ऑलवेज इन डिप्लॉयड फेज, हमेशा याद रखना डिप्लॉयड फेज। इसमें क्या होगा, मियोसिस, दो मियोसिस होंगे, पहले होगा मियोसिस वन होगा, तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बनेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है? वापस से मियोसिस होगा, इसको बोलेंगे हम मियोसिस टू, यहां पर बनता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है? अब आप लोगों को पता होगा माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में बनता है, ये एक टेट्राड बनता है, अ टेट्राड, ठीक है? तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सेल था जिसको हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड फॉर्म में था, ठीक है? इससे क्या बना, हमें मिला वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि टू सेल स्टेज में चला गया, और फाइनली दोबारा से मियोसिस हुआ और यहां बन गया टेट्राड, यानी कि यहां पर कितने बन गए, चार सेल बन गए, कितने बन गए, चार सेल बन गए, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। अब ये टेट्राड चारों के चारों क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है? और क्या बन जाएंगे ये सब के सब किस, कौन से फॉर्म में है, ये सब एन के फॉर्म में, ये भी एन, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन, ठीक है? ये था 2n, राइट? अब देखो क्या हुआ, यहां पर चार टेट्राड बन गए हमारे पास, 1, 2, 3 and 4, राइट? अब ये जो चार टेट्राड बने हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे कौन से फॉर्म में, ये हैप्लॉइड फॉर्म में, इनको हम बोलेंगे हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर्स, ठीक है? और यही एक टेट्राड जो होता है
यही क्या होता है एक्चुअली में, दिस इज नोन एज मैच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मैंने आपको समझा ही चुका हूँ, ठीक है। एक बार उसका बेसिक अगर डायग्राम बनाए तो क्या होता है, आप लोगों को पता है पोलन ग्रेन का जब डायग्राम बनाते हैं हम, इस तरीके का डायग्राम बनता है। इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, डबल लेयर होता है, और बाहर क्या होता है इसके, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको हमने क्या बोला था, इंटाइन और एक्साइन, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम एक्साइन, ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस है, इसको ये तो वेजिटेटिव हो गया, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। दूसरा क्या हो गया इसमें, इसको बोलेंगे हम जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप अगर ये डायग्राम याद कर लेंगे ना, तो आधी चीजें तो आपको ऐसे ही याद हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, और यहां तक क्लियर हुआ सबको। पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर दो तरीके के सेल मिलते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं, एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरे को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स, ठीक है। अब पहला सेल तो कौन सा है, हमें पता है, द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल, एंड द सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। अब इन दोनों के इंडिविजुअल जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक पता होने थी। जैसे अगर मैं वेजिटेटिव सेल की बात करूं यहाँ पर, तो वेजिटेटिव सेल का क्या होता है, हमेशा याद रखिए, ये हमेशा बिगर इन साइज होता है, इट इज बिगर, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है, तो हम लिख सकते हैं कंपैरेटिवली स्मॉल, कंपैरेटिवली स्मॉल या स्मॉलर, राइट। दूसरा, वेजिटेटिव सेल की खासियत ये होती है कि इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, अबंडेंट और ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है, ये लार्ज होता है, लार्ज और इरेगुलर, लार्ज एंड इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, राइट। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं जनरेटिव सेल की, यहां पर क्या होता है, जनरेटिव सेल जनरली क्या करता है, फ्लोट करता है। फ्लोट कहां करता है, साइटोप्लाज्म में, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, किसका, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है।
और साथ ही साथ में इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें समझने की बात, देखिए जितने भी एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म, हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं मेजरली, तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो हमेशा कौन सी स्टेज में पाया जाता है, टू सेल्ड स्टेज के अंदर, ठीक है। पोलन ग्रेन जो शेड होता है, शेड समझते हो, एंथर से शेड हो गया, वो हमेशा किस में पाया जाता है, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। बाकी जितने भी रिमेनिंग है वहां पर हमेशा वो थ्री सेल स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग में क्या होगा, ये थ्री सेल स्टेज में पाया जाता है। अब ये थ्री सेल कैसे बना, यहां पर क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है ना, वो डिवाइड होता है माइटोटिकली, और क्या बना लेता है, दो मेल गैमेट, क्या बना लेता है, टू मेल गैमेट, एक तो हो गया हमारे पास, दो तो हो गए मेल गैमेट्स जो कहां से डिवाइड हुए हैं, कहां से बने, जनरेटिव सेल से, और एक हमारे पास कौन सा सेल होता है, दूसरा जनरेटिव के अलावा कौन सा होता है, वेजिटेटिव, तो हो गया थ्री सेल। समझ में आया थ्री सेल कैसे होता है, तो थ्री सेल स्टेज यानी कि यहां पर दो मेल गैमेट बन जाते हैं और एक वेजिटेटिव सेल रहता है, थ्री सेल स्टेज में ही शेड होता है पोलन ग्रेन। वहीं पे 60% एंजियोस्पर्म में हमेशा ही कौन से स्टेज पे शेड हो जाता है, टू सेल स्टेज पे, जहां पर एक वेजिटेटिव सेल रहता है और दूसरा हमारे पास कौन सा रहता है, जनरेटिव सेल रहता है। क्या ये क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने इंटाइन एक्साइन ये समझ लिया था, आप लोगों को मैंने एक और चीज बताई थी जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, याद है, जर्म पोर नाम की चीज बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। जर्म पोर क्या होता है, मैं आपको बताया था कि जो एक्साइन होता है, एक्साइन किसका बना होता है बेटा, स्पोरो स्पोरो पोलनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। और स्पोरोपोलेनिन है क्या बेसिकली, ये मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, बायोलॉजिकल मटेरियल यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करना, मतलब इसको कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कलाइन्स, ये इन सबसे अनइफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस आज तक, मतलब सब्सटेंस रहता सब्सटेंस की जगह मैं कहूँगा, ऐसा कोई भी एंजाइम आज तक कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया है जो कि इस स्पोरोपोलेनिन को क्या कर दे, खत्म कर दे या हटा दे, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि भाई सर ये हमारा एक पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल हो गए, एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल हो गया और दूसरा हमारे पास जनरेटिव सेल हो गया। अब दिक्कत यह है सर कि अगर इसमें ब्रेकडाउन होगा ही नहीं
तो ये आगे काम कैसे करेगा, मतलब क्या चीज होनी चाहिए कि जिससे ये काम करे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर होते हैं जर्म पोर। मान लीजिए मैं यहां बता रहा हूं आपको जर्म पोर, जर्म पोर कौन सी जगह होती है, इसको बोल दिया मैंने जर्म पोर। जर्म पोर कौन सी जगह होती है, जर्म पोर वो जगह होती है एग्जाइम के अंदर जहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय जर्म पोर, व्हाट इज जर्म पोर, ठीक है। तो जर्म पोर क्या है, जर्म पोर में यही लिख देता हूं मैं, जर्म पोर इज अ रीजन एग्जाइम के अंदर जो कि बहुत ही थिन होता है और जहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या है, एब्सेंट है, रीजन ऑन एग्जाइम वेयर स्पोरो पॉलिनिन इज एब्सेंट। अच्छा, अब एब्सेंट होगा तो उसका बेनिफिट क्या है, क्या कोई बेनिफिट है, बिल्कुल है। क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है बच्चों कि यहां से एक ट्यूब बनना शुरू होगी जिस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। क्या बनेगी, यहाँ से पोलन ट्यूब बनना शुरू होगी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊँ, देखिए जरा इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास, साथ साथ में बनाइएगा आप लोग भी, टाइम ओवर होने वाला हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, यहां से क्या निकलना शुरू होता है बच्चा, यहां से निकलना शुरू होती है ट्यूब, से क्या निकलती है, ट्यूब निकलती है, ठीक है। तो यहां पर दो तरह के सेल दिखेंगे, दो तरह के न्यूक्लियस दिखेंगे आपको। अब क्या क्या है इसमें देखिए, ये तो हमें पता ही है, दिस इज एग्जाइम, ये कौन सा सेल कहलाएगा, दिस इज जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा ये, ठीक है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, एंड ये जो न्यूक्लियस है ये कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस, दिस जनरेटिव न्यूक्लियस, इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म टू मेल न्यूक्लियस, क्या बना लेगा, दो मेल न्यूक्लियस बना लेगा। यहां पर ही अभी एक थे, ये ट्यूब बढ़ती जाएगी, अभी ट्यूब क्या हो जाएगी, अगर मैं बनाऊं तो ट्यूब विल बिकम मोर ब्रॉडर, बढ़ती जाएगी और यहां पर क्या बन जाएंगे, यहां पर बन जाएंगे दो मेल गैमेट, क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं क्योंकि ये किसमें, पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। ओके, वी स्टार्ट नाउ। हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं, एंड फाइनली अबाउट द एम्ब्रॉय सेक। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आपको
मैं एक एक करके बताता हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है वो है, हम पढ़ेंगे अबाउट पिस्टल मैगा स्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं एंड एम्ब्रॉय सैक। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वील स्टडी अबाउट पिस्टल। पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार और फिर से पढ़ेंगे, तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अब जनरली जब भी हम बात करते हैं पिस्टल की तो आप लोगों को पता नहीं, पता होना चाहिए कि ये जनरली क्या होते हैं। पिस्टल की जब हम बात कर रहे हैं तो पिस्टल के अंदर क्या होता है, आप लोगों को पता है, फ्लावर के अंदर देयर मे बी, इट मे कंसिस्ट ऑफ वन और देयर कैन बी नंबर ऑफ कार्पल्स, यानी उसके अंदर कार्पल्स क्या हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। अब जब हम कार्पल की बात कर रहे हैं तो कार्पल होता क्या है, देख लीजिए मैं डायग्राम भी साथ साथ में बना रहा हूँ, पहले भी पढ़ चुके हैं फिर से अपने को पढ़ना है। तो कार्पल क्या है, व्हाट इज कार्पल, तो कार्पल के अंदर क्या होते हैं मेजरली, देर आर थ्री पार्ट्स, कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हम सब लोग जानते हैं कि क्या स्टिग्मा होता है, क्या स्टाइल है और क्या ओवरी है, और इसका डायग्राम हम सबको पता होना चाहिए। डायग्राम साथ साथ में बनाइए, आप लोगों को आइडिया लगेगा, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम भी हमें साथ साथ में क्लियर होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट लेबल करते हैं इसको, इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे ऊपर इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा, इसको बोलेंगे हम स्टाइल, एंड इसको हम बोलेंगे ओवरी, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी। नाउ ये जो पार्ट बनते हैं इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है जो स्वॉल्ड अप पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है, एंड इट इज अ टिपिकल कार्पल। ठीक है, नाउ स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टिग्मा की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ कार्पल, जो किससे अटैच होता है, स्टाइल से अटैच होता है, जिसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है स्टिग्मा का, स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, रिसीव पोलन ग्रेन, टू रिसीव पोलन ग्रेन, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, स्टाइल का क्या क्या फंक्शन होगा, स्टाइल की जब हम बात करते हैं ये स्टिग्मा से अटैच होता है और ये कनेक्ट करता है ओवरी को और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। ठीक है, स्टाइल क्या कर रहा है, स्टाइल की जब हम बात करें, इट इज कनेक्टिंग ओवरी एंड स्टिग्मा, राइट। एंड फाइनली जब हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवरी कैविटीज होती हैं जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, और हर एक ओव्यूल इज इंक्लोज्ड बाय एन एम्ब्रॉय सैक, कौन इंक्लोज करके रखता है, एम्ब्रॉय सैक इंक्लोज करके रखता है। तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ओवरी क्या है, ओवरी सबसे लोअर पार्ट होता है, सबसे बेस पार्ट, बेसल पार्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वॉलन बेसल पार्ट। स्वॉलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कंपेयर करें उसे स्टिग्मा और स्टाइल से तो थोड़ा सा स्वेल्ड अप होता है, बेसल पार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
दूसरा इसके अंदर क्या होती है, ओवरियन कैविटी होती है, इट कंटेन ओव्यूल्स, क्या होते हैं इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और हर एक ओव्यूल, ईच ओव्यूल इनक्लोज इन सेक के अंदर इनक्लोज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि कार्पल्स का भी अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो वो भी है, लेकिन हमें वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेगास्पोरेंजियम, हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर ओव्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, दी मेगा स्पोरन जीएम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब कैसा होता है, दिखता कैसे है, इसका बेसिक डायग्राम कैसा होता है, तो वो अपन बना लेते हैं। मेगास्पोरेंजियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब क्या क्या है, दिस होल पार्ट इज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं द इनर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लाई, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर This is embryosic. इस embryosic के अंदर तीन तरीके के सेल मिलते हैं हमें, कौन कौन से, सेंटर में होता है पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है एंटीपोडल सेल्स, ऊपर के मतलब एंटीपोडल सेल्स आर ऑलवेज टूवर्ड्स द कैलेजल एंड, ठीक है। इस वाले एंड की तरफ कौन से सेल होते हैं, हमेशा एंटीपोडल सेल्स होते हैं। और तीसरे तरह के सेल होते हैं हमारे पास एम्ब्रोसेक, एम्ब्रोसेक जनरली कहाँ पर मिलते हैं, इट इज ऑलवेज फाइंड आउट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो पोलन ट्यूब होती है वो कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही एंटर करती है, ठीक है, ठीक है, ये मेन ये पार्ट है। अच्छा, इसी का जो बाहर का पार्ट है इसको आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, और जो इनर वॉल है इसको हम बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। और इसको ये जो हमने बोला है एम्ब्रोसेक, ठीक है, इस पूरे को इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेलस, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेलस, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पार्ट को हम बोलते हैं रैफे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। एंड दिस स्मॉल ट्यूब विच इज कमिंग, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस, ठीक है। मेन जो हमें समझना है वो इस बॉडी पार्ट को समझना है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या एक बेसिक मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम समझ में आया आपको, क्या क्या होता है, कैलेजल एंड समझ में आ गया, फ्यूनिकल माइक्रोपाइलर एंड समझ में आ गया, आउटर इंटीग्यूमेंट, इंटर इंटीग्यूमेंट, इन दोनों को हम कंबाइनली इंटीग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको, इस पूरे को जिसको हम न्यू सेलस बोल रहे हैं, सॉरी न्यू सेलस बोल रहा हूँ, जिसको हम पूरा एम्ब्रॉयड सेक बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोर मदर सेल, इसको मेगास्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब किसका क्या फंक्शन है, क्या रोल होता है, हमें वो डिस्कस करना है बच्चों, है ना। नाउ अब अपन एक एक को डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट, जो ओव्यूल होता है ये डेवलप होता है एज टाइनी नॉब, ये कैसा दिखता है, नॉब की तरह दिखता है, किसमें, इन द ओवरी, ओवरी के अंदर एक नॉब की तरह नजर आता है ये, ठीक है।
जैसे ये डेवलप होता है ये रेज होता है ओवरी से टूवर्ड्स दी फ्यूनिकल, किस तरफ जाता है ये, फ्यूनिकल की तरफ जाता है, टूवर्ड्स दी फ्यूनिकल। नाउ फ्यूनिकल का मतलब बेसिकली फ्यूनिकल का रोल क्या है, फ्यूनिकल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्यूनिकल क्या काम कर रहा है, फ्यूनिकल इज ट्रांसफरिंग फूड एंड वाटर टू द ओव्यूल। ओव्यूल के पास फ्यूनिकल का एक मेजर रोल क्या हो गया कि वो क्या पहुंचा रहा है, पानी और खाना, ठीक है। और जो ओव्यूल होता है वो फ्यूज हो जाता है किससे, फ्यूनिकल से, और उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। हम क्या बोलते हैं, हाइलम, बताया था हाइलम, आपको डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हाइलम दिख रहा है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे से, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। तो जहाँ पर फ्यूनिकल fuses with ovule, उसको हमने क्या बोला, उस रीजन को हमने दे दिया नाम हाइलम का, इसका नाम दे दिया हाइलम का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हाइलम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम इज ऑल्सो जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है, ठीक है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जो मल्टी लेयर दिख रहे थे, आपको लेयर्स दिखा रहा था, उसी लेयर को हमने क्या कहा, इस पूरी मल्टी लेयर, यहाँ पर लेयर्स हैं, बाहर की लेयर, फिर अंदर की लेयर, इनर टेग्यूमेंट, आउटर टेग्यूमेंट, न्यू सेलस, एंटीबॉडल, कैलेसर, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, दे ऑल आर नोन एज न्यू सेलस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेलस बोलते हैं। तो न्यू सेलस हो क्या गया, अगर हम देखें तो न्यू सेलस इज व्हाट, न्यू सेलस इज मल्टी लेयर्ड ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के बाहर क्या हो गई, लेयर है, तो मल्टी लेयर्ड ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं, न्यू सेल्स। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, इस क्या होता है, एंड इट इज इंक्लोज इन वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या चीज कवर नहीं होती, इसके अंदर माइक्रोपाइल कवर नहीं होता, माइक्रोपाइलर जो एंड होता है ना, उसको हम इंक्लूड नहीं करते न्यू सेलस के अंदर, ठीक है। बाकी इंटीग्यूमेंट्स हो गए, न्यू सेलस हो गया, न्यू सेलस इज बेसिकली मल्टी लेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गया, उसमें इंटीग्यूमेंट्स भी हो गए। इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स कहलाती है। तो इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या हो गया, जैसे मैंने बताया इंटीग्यूमेंट्स इनर और आउटर, हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन, या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स है। ठीक है बच्चों, अब न्यू सेलस में क्या है, न्यू सेलस के अंदर क्या होता है, न्यू सेलस के अंदर होता है वन मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड एम्ब्रोसिक मदर सेल भी बोलते हैं, या एम्ब्रोसिक भी बोलते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि न्यू सेलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वन मेगा स्पोर मदर सेल, और इसको हम बोलते हैं एंड एम्ब्रोसिक भी बोलते हैं, ठीक है। हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, तो ओव्यूल के अंदर दो एंड बताए मैंने आपको,
एक बोला मैंने आपको कैलेजल एंड, दूसरा बोला मैंने माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो जो पोर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक स्मॉल पोर होता है, यहाँ पर स्मॉल पोर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। अब इस पोर का रोल क्या होता है, इसी पोर से क्या एंटर होता है हमारा, पोलन ट्यूब एंटर होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट में कौन सी बताई मैंने आपको, इसके अपोजिट में जो लेयर बताई उसको हम बोलते हैं कैलेजल या फिर कैलेजा या फिर इसको बोलते हैं कैलेजल एंड, ठीक है। क्या होता है ये, बेसिकली अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है, माइक्रोपाइलर एंड के, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये फ्यूनिकल जो होता है, ये फ्यूनिकल ज्वाइन होता है किससे, न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय कैलेजर, कैलेजल एंड या कैलेजा, और कैलेजल एंड क्या बोलते हैं इनको, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वो पार्ट होता है जहां पर फ्यूनिकल जॉइंट्स विद दी न्यूसेलस, तो हम यहां लिखते हैं, लिख सकते हैं, इट इज अपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड वेयर, वेयर फ्यूनिकल जॉइंट्स विद द न्यू सेलस एंड इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, बात समझ में आई। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको कोई आपसे पूछे व्हाट आर द पार्ट्स, आपसे पूछ ले पार्ट्स ऑफ मैच्योर ओव्यूल, तो आप क्या क्या बताएंगे, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे बताना है, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का और करने का, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना। सबसे पहली चीज़ बताएंगे आप इसमें इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या होता है, ये कितनी होती है, वन एंड टू प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑफ ओव्यूल, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है, माइक्रोपाइल, क्या होता है माइक्रोपाइल, एक स्मॉल पोर होता है, अ स्मॉल पोर, एट वन एंड ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के एक एंड पे होता है, थ्रू विच द पोलन ट्यूब through which the pollen tube enters, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है हमारे पास इसमें न्यूसेलस मल्टीलेयर्ड, मैंने बताया था मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो भी हमने पढ़ा है उसकी समरी एक तरह से ये मान के चलिए। फाइनली जो मैं बार बार में बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्ब्रॉय सैक। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ये न्यू सेल इसके अंदर होता है और इसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, एट सेल्स होते हैं, कितने सेल्स होते हैं, एट सेल्स। तो प्रेजेंट
विद इन. एंड कंटेन 8 सेल. अब 8 सेल कौन कौन से होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें एंटीपोडल सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, एग सेल्स होते हैं. अब देखो क्या क्या है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा, 3 तो एंटीपोडल सेल्स हो गए इसके अंदर, 1 एग सेल हो गया, 2 सिनर्जिड हो गए और 2 पोलर न्यूक्लियस हो गए. कहाँ कहाँ है देखो, इसको भी देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को. सबसे पहला आता है हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल. कहाँ होते हैं? अपोजिट टू माइक्रो पाइल एंड 1 एक्सेल होता है, 1 एक्सेल के साथ 2 सिनर्जिड भी होते हैं, ठीक है, और सेंटर में होते हैं हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई.